हाथ में माइक, चेहरे पर मासूमियत, छोटी सी उम्र में गजब के तेवर, आंकड़े जुबान पर, फेसबुक पर एक छोटू रिपोर्टर इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। जिस उम्र में बच्चे स्कूल में पढ़ते और खेलते हैं, गोल्डी गोयत नाम का ये बच्चा न्यूज रिपोर्टिंग करता है। YouTube पर इसका खुद का एक चैनल है, Facebook पर अपना पेज है। गोल्डी जब सवाल पूछता है तो बड़े बड़े नेता भी उसकी मासूम अदा को देखते रह जाते हैं और मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं। ऐसा ही एक वीडियो छोटू रिपोर्टर का इन दिनों जमकर वायरल है। इस वीडियो में गोल्डी हरियाणा की कद्दावर नेता नैना सिंह चौटाला का इंटरव्यू कर रहा है। नैना चौटाला जननायक जनता पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन जब इस छोटू रिपोर्टर ने नैना यादव से सवाल किया तो सुनिए उसके बाद क्या हुआ। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है जेजेपी नेत्री श्रीमती नैना चौटाला जी। आज हम इनसे कुछ सवाल करें। सबसे पहले नमस्कार मैम। नमस्कार बेटा। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल। तू स्कूल जाता है या नहीं जाता? जाता हूँ। अच्छा मैम, आज की जो जन सम्मान दिवस रैली थी वो आपकी कैसी रही? मैं कहूँगी बहुत अच्छी थी, और इस रैली में लाखों की संख्या में आकर लोग जो थे वो खड़ी रैली के नाम से कहूंगी तो ज्यादा सही होगा। बहुत भीड़ थी आज मैम। जैसे 25 तारीख को अब जो कैथल है वो भी जन सम्मान दिवस मना रहे हैं INLO पार्टी, तो क्या मानते हैं कि आप वो इस जगह से ज्यादा भीड़ वहाँ पर जुटाने में सफल रह पाएंगे? देखो, हर पार्टी को अपना जो भी सम्मान दिवस मनाए मना लो, वो तो आप देख लेना 25 आ गई है तो। मैम, अभी आपका आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो आपकी पार्टी की तैयारियां हैं, जो अभी आप तैयारियां कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं कि आप डबवाली से ही दोबारा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे तू बोलता ही रहे। धन्यवाद। हाँ, चुनाव की बिल्कुल तैयारियां हैं। दुष्यंत ने घोषणाएं जो घोषणा पत्र में डाली है वो बहुत अच्छी हैं, तो हम चाबी के निशान को लेके घर घर हर दहलीज तक पहुंचने का काम करेंगे, और जनता जनार्दन जो है वो बदलाव चाहिए और हरियाणा में बदलाव आएगा। मैम, आपने जैसा बसपा पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ था, वो जैसा कि ऐलान हुआ था कि 50 सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी और 40 पर बसपा लड़ेगी, लेकिन अब वो गठबंधन टूट चुका है, तो क्या अकेले दम पर 90 की 90 सीटों पर आप अकेले ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल बेटा, 90 की 90 सीटों पर अपने दम पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो मैम, जो गठबंधन टूटा था उससे आप निराश हुए या खुश हुए? जो यहाँ पर भीड़ थी उसने क्या समर्थन? मेरे को देख देख के खुश हो रही हूँ। मैंने इतना छोटे बच्चे को आज तक इतना छोटा मतलब पत्रकार नहीं देखा, तो मतलब जो चल रहा है ना वो बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं तो यही कहूंगी बेटा कि साइड बाय साइड स्टडी जरूर करो आप। YouTube पर गोल्डी गोयत का अपना चैनल है जिस पर 200 से ज्यादा वीडियोस अपलोड किए गए हैं। इस चैनल पर अधिकतर वीडियोस हरियाणा की राजनीति और राजनेताओं से बातचीत पर आधारित हैं। वहीं अब गोल्डी गोयत के वीडियो इन दिनों बेहद सुर्खियों में हैं, और हरियाणा का ये जूनियर रिपोर्टर इन दिनों सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।